राकेश टिकैत 2024 तक आंदोलन को जारी रखने की बात कर रहे हैं। साथ ही दूसरे किसान नेता कांग्रेस और विपक्ष की कई पार्टियों के सहयोग से 26 मई को काला दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इन सब के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को चिट्ठी लिखी है कि वे फिर से बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसान नेताओं की जो गतिविधियां हैं उससे साफ है कि उनका इरादा सिर्फ बात करने के लिए बात करने का है। वे सरकार के पास खुले दिमाग के साथ जाने को तैयार नहीं है और शायद सरकार भी सिर्फ बात करने के लिए बात शुरू करने के पक्ष में नहीं है। 26 मई को इस किसान आंदोलन को पूरे 6 महीने हो जाएंगे। किसानों की ओर से पूरे देश में 26 मई को किसान काला दिवस मनाने की बात कही गई है और इस दौरान हर घर, कार और अन्य वाहनों पर काले झंडे लगाकर इन तीन कृषि कानूनों का विरोध किया जाएगा। इसी के साथ साथ कई दिन पहले संयुक्त किसान मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एक बार फिर वार्तालाप का दौर शुरू करने की बात कह चुका है। लेकिन पीएम को लिखे गए पत्र को लेकर किसान नेताओं और संगठनों में आपसी सिर्फ डवल शुरू हो गई है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वामपंथी पार्टियों के इशारे पर चलने वाले किसान संगठनों और नेताओं के बीच इस बात को लेकर आम सहमति नहीं है। लेकिन किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा इस विरोधाभास को अंदरूनी मामला बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल कृषि के क्षेत्र में 3 नए कृषि कानून पास किए। इसके बाद पंजाब से एक किसान आंदोलन का जन्म हुआ जो कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस कराना चाहता था। इसके बाद पूरे देश में इन तीनों कृषि कानूनों को वापस कराने की मांग जोर शोर से उठने लगी तो पंजाब से किसान दिल्ली में इसका विरोध करने के लिए निकल पड़े। 26 मई को इस किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं जिसको लेकर किसान अलग अलग तरह की रणनीति बना रहे हैं। 26 मई को पूरे देश भर में किसान काला दिवस मनाएंगे जिसमें हर घर पर, हर वाहन पर किसान काला झंडा लगाकर रोष प्रदर्शन करेंगे। 31 मई को एक और अहम बैठक करके आगामी रणनीति तय की जाएगी। इस आंदोलन के दौरान सरकार के साथ किसानों की 12 दौर की बैठक भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के नेतृत्व में हुई लेकिन वह विफल रही। अब एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा सरकार के साथ वार्तालाप के लिए एक पत्र लिख चुका है। इसमें बातचीत का दौर एक बार फिर शुरू करने की बात लिखी गई है। इस पत्र के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के कई किसान नेता नाराज दिख रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि 26 मई को दिल्ली की सीमा पर हमारे आंदोलन को 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। हम पूरे देश भर में काला दिवस मनाएंगे, हर वाहन पर, हर घर पर काले झंडे लगाकर इन तीन कृषि कानूनों का विरोध करेंगे। किसान नेता हरप्रीत सिंह ने कहा कि 26 मई को दिल्ली की सीमाओं पर हमारा आंदोलन का 6 महीना पूरा हो जाएगा और जिसके लिए हम पूरे देश में काला दिवस मना रहे हैं। सरकार कोरोना के नाम पर किसानों को डराने का काम कर रही है लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।